शनि जी की जय हो, बाल तानी वीरों की जय हो, जय हो। ठीक है, क्या जी जी सरकार, मेरी बात सुनिए। अब बताओ क्या कहते हो, तुम्हारे शहर में कोई चार पूछ है? है उनका कोई नई छतरा नहीं आई हुई? आई हुई है। आप एक काम करिए, एक बार मुझे उससे मिला फेरिए, उसके नाम लेने से धरती आसमान। क्या लिखा है उसका नाम ले? उसके नाम लेने से धरती जी, आपको मालूम होना चाहिए। क्या? मेरा नाम लेने से धरती है समान दोनों लड़ते। मेरी बात सुनिए, वो कैसी है सुनिए। ठीक है, म्यूजिक बनाओ जी। धरती लर्जे या रजपूता की रानी। नंबर एक और भारी वो सूरग का राजा वो बना दिया जा और कटी इंद्र की रानी। अल्लाह की सवारी का धर्म नष्टि हुआ वो श्राप दे दिया नाथ्रिसी के मारी। श्राप दे दिया नाथ्रिसी के मारी। पहुंच गए गौतम के घर में और जारी करने रातने हर मुर्गा बने कंगाल लगा या तो घेरा दिया सातने और खबर पाटे थे वो साप दे दिया हुई मुश्किल हुई कातने।
आए ने और को ना पर जे और सुनो प्रेम से हो गाना हो आए ने कोई ना पर जे सुनिए आपको बहुत अच्छी मुक्ति मिल जाएगी। सुन ले दिल दस की और इतना तुम वो तेरे मैं कोना मैं बेदी सू नस नस की हर पुरा ने बैठते छतरा पड़ी याद दिल दस की वो जरज पुता ने वो जान पाट की तबादर है ना हाँ जी लक्ष्मी चंद राम गुण गाले जिन गानी दिन दस की इतना दम तेरे में कोला भेदी सो नस नस की बुरा ने दस छत्रपण की हो अति नंकुश की और जय राज पुत्ता ने जान पाट की तो बात रहे ना बस की क्या करेंगे बता दूं काट तेरे दो टूक बना दे वो बिल के घर पठानी बड़ी अजीब की बात कह रही है और नाम लेता है धरती लर जय राज पुत्ता की रानी आप यहाँ से जा सकते हो रानी को तो तब भी लिखना अच्छा और अब भी लिखना तो क्या करोगे आप इतना बड़ा बड़ा इनाम दे दूंगा कितना तेरी सास पुस्तान बेटी खाए जा तेरे कोई जरूरत नहीं तो ठीक है मेरी बात सुनिए मैं मिलवास तो सकती नहीं मगर उसकी को निशानी लेकर आ सकती हूँ इसके कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे 50,000 मिलवा तो सकती नहीं उसकी निशानी लेकर आ सकती हूँ बहुत आजकल बहुत ज्यादा 50,000 रुपए लगेंगे आजकल थोड़े पैसा में काम कर चल रहा है अरे जमाना पैसा की मारी तो सूट पर खड़ी हूँ क्या 50,000 रुपए की तेरे को स्टेट बैंक में स्टेट बैंक के अंदर घुसे ठीक है ओके ये
यानी कि मेरी बेबे का जेठ कित सेओ जीजा शक्ल तो दिखा दे जीजा शक्ल दिखाने एक बजे खा करे जीजा कड़ा कड़ा गया पवन कित गया ओहो साली ने देख दे लोग गया ऐसे जीजा होगा तू बस 500 रुपए सली देव के भंडारे के लिए अच्छा पार्टी के 500 रुपए सबे सली सब होले कुणबे के लिए ये किया प्रेम सदान अन करियो जी हाँ जी हाँ ठीक है मैं कोई निशानी लेकर आ सकती हूँ मैं निशानी ही ला दो ठीक है मैं जाती हूँ जाइए प्रेमियों अब दूती अपना शहरी लिबास उतार देती है और दाती बहस करके कहा साहब सिंह के मकान पर पहुंच जाती है हेलो और जाकर डोड़ीवान से मिलती है और क्या कहती है शाबाश अरे संतरी हाँ कौन है मैं साहब सिंह की बुआ कब से जब से ओ हैर मैं हूँ क्या दोनों बुआ भतीजे इकट्ठे हुए थे नहीं आप साहब सिंह हैं क्या वो तो है नहीं नहीं है तो अंदर जाइए ये कह देना कि साहब सिंह की बुआ आई हुई है ठीक जल्दी जाओ हाँ सतरानी नमस्कार अरे संतरी डोडी छोड़ कर क्यों आए देखो सतरानी हाँ एक बुढ़िया सी नहीं तो बेचारा सीसी औरत है अच्छा अरे महाराज की बुआ बतलाती है अरे संतरी क्या आपने पहले कभी उसको देखा है आज से पहले कभी नहीं देखा नहीं देखा तो एक काम कर अंदर आना चाहती है अंदर आना चाहती है आप कहो तो उसको अंदर ले लूं तो उनको आदर सहित महलों के अंदर ले आओ ले लूं अंदर ले लो अंदर ये माई अरे माई क्या मैं जोगन हूँ करना पाचन जरूर ठीक है आप बैठ जाओ आइए बूढ़ सुहागनो तरक मां जी भगवान तना छोरा दे चमा सिम बेटी बोडिया तरा नाम के है और सोमवती सुपला में मेरा बहु बोली पाया पच्चे सोमवती सुपला में मेरा बहु बोली पाया पच्चे और लगी मुट्ठी भरण पर मत दोलो पै पकड़ करी बहु बोली पाया सोमवती सुपला जन यदल करया करू पूरी चीज का कसन करया करू हर पक्ष तो ठक भजल करया करू सब पैर कै तक करी बोली पाया चार बार
बात बताइए। लक्ष्मी चंदम और गति के पीर मरदम पोच रति के तेरी गणेश सता में लाड पति के कदे न बोलिया लड़के री बहू बोली पाया पड़के। तो बेटी हाँ मैं क्यों आई हूँ? क्यों आई हो? जो मेरा लड़का है हाँ उसकी है शादी। अच्छा अरचाप सिंह का न्योता लेकर आई थी। अच्छा बात नहीं होता आई तो है। हाँ अच्छा अरे बेबे चाप सिंह तो है नहीं। हाँ प्रेमियो वो बुढ़िया दो चार रोज सरदार चाप सिंह के मकान पर रहती है और ध्यान मार लेती है कि इस औरत का सबसे ज्यादा प्रेम किस चीज में है। और एक रोज का जिक्र है सोमवती स्नान करने के लिए स्नान घर में पहुंच जाती है पानी डालकर और ये कहती है बेटी आज मेरी तबीयत ऐसी चाहती है जानू कि मैं अपने हाथों से तेरे को स्नान करवा दूं। बेटी सोमवती जी बुआ जी कहाँ जाती हो आप? माता जी मैं स्नान करने के लिए जाती हूँ। बेटी मेरा जी सा जी करे है जानू अपने हाथों तत्न नुआ दू। एक बात से बुआ जी जी आप हो मेरे से बड़ी मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना आपका फर्ज नहीं है। तेरा सिर धो दूंगी ना मैं आप धो लूंगी तेरी कमर मसल दूंगी आदत को नहीं मैंने मसल मारने की साबुन ला दूंगी खुद ला लूंगी बेटी। हाँ तेरा मसल मसल करवाऊंगी आराम जाके नवाबा की मन आनू बनाया भी नहीं मानना जी रह जाओ। अब उदास होकर बैठ जाती है और सोमवती स्नान करके बाहर आती है और कहने लगी के बुआ उदास होगी आजा चल भोजन कर ले रोटी खा ले। ए भगवान मारी थे बुआ ये रुसगी मना ले अपने न मना ले फूफा ना मांगती। अच्छा ए बुआ चल खड़ी ले भोजन खा ले कर ले आजा चीज तो मांग के देख दे दूंगी। भाई मंजीबा था ना जब मेरा भाई जिया करता ना हमारा कुटुम कबीला हाँ? मैं मुंह फोड़ के चीज मांग लिया करती हाँ? तेरे घर की से भूखे घर की नांगे घर की आई कुछ नहीं दे सकती। तू एक काम कर हाँ? तो कुछ चीज लेनी हो ना हाँ? वो तो इस पर ले जा हाँ? और मुंह वाला नू वाला का फोड़ जा ये वो तो मांग तो दे देगी। ए तू जान भी मांगा मैं उस तभी को ना नटू दे देगी। हाँ तो एक काम कर क्या ये पटका कटार मेरे को दे दे। ए बुआ आपने तो मेरी जान मांग ली एरी मैं इसलिए देख कर स्नान करती हूँ इसकी पूजा करके मैं भोजन करती हूँ इसलिए छोड़ के बुआ चाहे सारा राजपाट मांग ले मैं तन्ना दे दूंगी। जब मैं तक कहूँ थी मैं क्यों आई थी मैं चाप सिंह का न्योता लेकर आई थी और चाप सिंह तो घर में है नहीं जी ये पटका कटार मेरे को दे दो चाप सिंह मैं इसे न समझ लूंगी। और तेरा देवर की शादी है परसू तड़के सुबह सुबह ले आऊंगी मैं। ये बुआ इसने देख के मैं भोजन करती हूँ बेटी आज तना भोजन कर लिया होगा और तड़के रख लिए बर्फ हाँ और परसू सुबेरे दिन लकड़न तो पहला हाँ और मंदिर पर खड़ी पाऊंगी। ठीक से बोल दे कि मेरी इज्जत का ख्याल रखिए चिंता ना मन तेरी इज्जत का सही तोता बंद होगी लग गया मन तोता बांधन की सहतू मंदिर पर ना चढ़िए क्या पड़ते हैं टांग टूट जाएगी आई नहीं भाई उल्लू की पुट्ठी अभी तक उल्लू की पुट्ठी मेरी क्या मेरे को गाली देते हो गाली गाली के मैं जचन है मैं लगा मैं अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम क्यों रही जी क्या काम बना नहीं बना शाबाश और कहते बात बोल से जंग वाहे बने मुनस के संग में रखो जरो पोत को वाहे बने मुनस के संग में तो लख राखी तक वीर में Yeah!
देखे कसर पान की कोना देखे कसर पान की कोना तू चांद जसी तसे दाम खरे हो जाएंगे काठ में दाम खरे हो जाएंगे तो बोए जाता गिर में और तेरा सारा लाख गुदा कर लूं क्या रे जी क्या काम वो काम बना नहीं बना हाँ। क्या हो गया क्या हुआ शेर खान अबे उल्लू की पट्टी क्या हुआ शेर खान पहले से बतला देती जी अभी तक तो मर कभी सैयद हो जाते अच्छा हाँ। तो मेरी बात सुनिए आप खड़े हो जाओ अब मर जाए अब मर जाओ तो ये मर जाओ तेरा क्या बिगड़ा है बाड़े घर छोकरा लड़ेंगे मेरे लड़ेंगे तो एक काम करो क्या ला पैसे दो इनाम दो बड़ी कम जरा इनाम दो बड़ी बदतमीज इनाम दो बड़ी जाहिल बड़ी उल्लू की पट्टी इनाम की खामू की फिरती है अच्छा बहुत बड़ा बड़ा
कहाँ मिलेगा? बड़े से बड़ा, हाँ बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा तेरे से मिलेगा नहीं। ए, ये लो पटका, इसका क्या करूँ? अपनी नाड़ में बांध काड़ा लटक जा। काम तमाम, ठीक है ठीक है, काम तमाम खत्म ना, तमाम काम हो जाएगा बस। हाँ जी हो जाएगा। इनाम दो, ये कोई खास निशानी नहीं है, खास निशानी नहीं, और ले फिर और दो नाम। अरे लो ये लो कटार, इसका क्या करूं? अपने पेट में सूड़ ले। पीछे बात कर, बोलो। ये कोई खास निशानी नहीं है, नहीं है ये कोई ऐसी निशानी नहीं है जी, तो सरे दरबार के अंदर साबित गुजर जाए। तो कोई खास निशानी हो तो और बताओ। तो मेरी बात सुनिए, ले इनाम दो पहले। इनाम? हाँ। ओहो पिचट, ये तो बात मैं भूल ही गया था, लो इनाम लो। ला अरे ऐसा नहीं, और देखो मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। क्या? जितनी शहर के अंदर नटनी और कंदरी है तू सब की चौधरी। अरे चौधरी को बिछा लूं, ओढ़ लूं, पहन लूं, खा लूं। ओढ़ लोड़ ले, बिछा ले, चाट ले, ताई खा ले। पैसे दो, पैसे। पैसे? हाँ पैसे, पैसे? जी पैसे, पैसे, पैसे। कतीली ले ले ले, करारे करारे। जब मैंने दस्तक करने थे वो कर, ठीक है। तो छिथरानी है ना, उसकी बाई जांग में गोडे से चार उंगल ऊपर तिल का निशान। आपने कैसे देखा? नाते दफे देखा, नाते दफे, नाते दफे। तरह जी खूब कती गौर से, खूब 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 खूब। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अरे रे रे कहां जाते हो? मेरे अंधेरे घर के चांदने मैंने दरवाजा तो एक ही लगवा रखा है। एक दरवाजा? एक ही दरवाजा है, दूसरे में नहीं लिखा। नहीं 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 नहीं, नहीं बढ़ने नहीं देती ना, लकड़ा तकड़ा था। अच्छा हाँ, पहले इनाम दे दो फिर आप जाओ। इनाम दे दिया मैंने, तू चौधरी बना दी सब क्या। जा, जा तेरा भी तो ऐसा काम बनेगा बेटा, जा बैठ जा, जा मौसी बैठ जा, जा ना आऊंगी लाले, मैं तेरा पानी खंडाऊं। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल पजामा, कदे कदे मेरे लाल फिर की वाली तू कल तेरी आना नहीं, ओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए हेलो आगे हो लो हजूर मुलाजा फरमाइए। हाँ हाँ मुलाजा फरमाइए। आप चाप सिंह के घर से आए? हाँ हाँ हाँ। चाप सिंह शेर खान आपने आपके घर से ये दो चीजें लेके आए, जरा गौर फरमाइए। हेलो अच्छा सलामत साहब सिंह बोलिए। शेर खान आपके घर से आया है? सुने सुने सुनो जी, और सुनिए दो चीजें लेके आज, जरा गौर फरमाइए क्या आपके घर से आई है। बात अच्छा सलामत, मैं मानता हूँ कि ये चीज मेरी है। हाँ हाँ, मगर इस बात में भेद है। मतलब ये चीज बाजार से मोल भी खरीदी जा सकती है, खरीदी जा सकती है, और मोल खरीद कर इन पर मेरा नाम भी लिखवा जा, इनका नाम लिखवा जा सकता है। मुकदमा डिसमिस है। तो भाई शेर खान, ये मुकदमा आपका डिसमिस, ये मुकदमा डिसमिस, बिल्कुल। तो हजूर अच्छा हजूर, और कुछ बतलाना चाहते हैं? हाँ हाँ बताइए। इनके मकान के अंदर एक अलमारी रखी हुई थी। अच्छा, और उसमें कुछ सामान लगा कर ताला बंद करके चाबी अपने साथ लिया। ताला बंद था? हाँ। अच्छा लो, हमने बगैर चाबी के अच्छा ताला खोल कर अलमारी खोल कर देख लिया, इसके अंदर ये सामान है। अपनी अकल से? अच्छा सलामत है, गुस्ताखी माफ करें, बोलिए। इनसे ये पूछो कोई सामान निकाला तो नहीं? कोई सामान निकाला? सामान मेरी बात सुनो, अगली बात सुनो। हाँ बोलिए, मुद्दा पेश करो। हमने
उसके अंदर देख लिया ये सामान है। अच्छा, फिर ताला बंद कर दिया। अच्छा, अजमुदा पक्का है कच्चा? अजमुदा तो पक्का है भाई। तो पक्का है। हाँ। तो हजूर, हाँ। इनकी आज की भाई जान के ऊपर चल का निशान है। अरे नीचे किस तरफ बदल गया धान की ठंडी होगी भाई, होगी। खिचड़ी क्या बात है? इसमें खिचड़ी को भाई हार जीत हो जाती है। कोई बात नहीं, बोलो। आप बोलिए मुन्ना। हमारे प्रेमी 50 रुपए देते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हजूर बोलिए। हम अपनी शर्त में जीत गए। हाँ, जीत गए। इसको फांसी का तख्ता तैयार है। सुनो, ये हमारी फौज का एक मुख्य स्पेशलर है। अच्छा, हम इसको इतना जल्दी फांसी नहीं दे सकते। और दरियाफ्त होती है क्या? और मरने वाले से कुछ पूछने की दायते होती है क्या? साहब सिंह, बादशाह सलामत, एक बात बताइए। बोलिए। अपनी गुनाह के मुताबिक, हाँ, कोई भी फांसी सोली वाला हो बेशक, क्या तुम्हारी तरफ से उसके लिए कोई हदायत? हाँ, हिदायतें होती हैं। किन किन बातों की? देखिए, आप कुछ खाना चाहते खा सकते हैं, कुछ पीना चाहते हैं, या किसी से मिलना चाहते तो हम मिल भी सकते हैं। बादशाह सलामत, बोलिए। नहीं मिलना, नहीं खाना। अच्छा, और नहीं पीना। एक बार मिलना है। किससे मिलना चाहते हैं? छत्रानी से। अपने घर जाना चाहते हैं? तो आप जा सकते हैं। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कल ना कोई और फांसी सुनी वाला कहने लगा। अच्छा भाई, मेरी बुआ लौर है। हाँ। उससे मिलके फिर बांध का फिर बात मान का फांसी टूटूंगा। अच्छा, इतना टाइम निकल जाएगा भाई। टाइम तो हमने अभी रखा ही नहीं है। हजूर, वादा पूरा हुआ और टाइम रखा? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी हिदायत में नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। हम तो कहते नहीं। साहब सिंह बोलिए। बादशाह सलामत, आप अपने घर जा सकते हैं, मगर एक शर्त होगी। क्या? हजूर, आप हजूर एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। ये क्षत्रिय है। हाँ। ये घर जाकर कभी किसी का सर ना उतार दे। नहीं, ठहर ये सर खान, जरा जवान को बस में रखो। अक्षत्री का धर्म नहीं होता औरत के ऊपर हाथ उठाना। औरत का ऐसा मार दिया जैसे कि द्वार का मार दिया। ठीक है साहब सिंह, आप जा सकते हैं, मगर छत्रानी बात नहीं उठाएंगे। ठीक है, जाइए भाई। जा सकते हैं, हम तो कहते नहीं, आप भी जा सकते हो। जिस टाइम पर छुट्टी जा करता चेहरा खुश सुनिया करो, और पैर में जूता और सर पर पगड़ी, छुट्टी जा करता उस टाइम पर पगड़ी काख में, पैरों से नंगा और नेत्र लाल, और वाहन से चल पड़ता है। चल दिया सफा दे लिया काख में, ते भाई सर पर धरण की आहार से, इबन रा जीवन हो गया मुश्किल, क्योंकि लग गया बैर पठान से, वह पति वरता न किसे काम की, जिसने न धर्म
कर्म की बाण से रे जीते जी चलू उस मारे से खाई संतरी। हाँ महाराज, लोड़ी पर सोता है? सरदार नहीं जी, सोते नहीं जी। जाओ छतराणी को कोई सरदार साहब सिंह छुट्टी आई है। हाँ छतराणी नमस्कार। अरे लोड़ी मां, लोड़ी छोड़ कर क्यों आए हो? देखना आज महाराज आए हुए हैं। हाँ। सिर के ऊपर पगड़ी नहीं है। अच्छा, पैरों में जूती नहीं है। कोई न कोई बात है, जल्दी से जल्दी जाकर आप बैठिए। कार्था करती है आदमी को सरस। इसका हाथ हाथ में क्यों रखे हो? दोरे रोया पीटा सरस। चला सरो नखरिया में टूटते रह रहे सरो नखरिया में टूट गए कि सरस। हे रे मेरी ले रे बरो तार अरे सबद कार अरे अट्या बुरी वदारे परे सीना बाठ जा
मेरी समझ में नहीं है महाराज, आप कहना क्या चाहते हो? बात सुनिए। हाँ, मुझे नहीं पता इस बात का, समझ में नहीं आई और समझने की कोशिश नहीं करी। महाराज मेरी समझ में नहीं आई, फिर समझ ले। समझाओ तो एक काम करो। क्या? या मेरा पटकार कतार दो। महाराज इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा? ठहरिए, बोलो। जिस राज मेरे से लिया था उसका कितना मैं तब समझा था, और आज ये कहती है आके इतनी सी बात। महाराज जिस दिन आपने वो पटका कटार मुझे दिया था उतना ही तो मैं तो उस दिन था और उतना ही मैं तो आज है महाराज। तो लाइए मेरा पटका कटार दे। महाराज चारा हो गया। क्या? वो पटका और कटार तो आपकी बुआ लेगी। आज बुआ? किसकी बुआ? महाराज आपकी बुआ बताओ थी, परसों के रोज आई है। और नालायक और बेशरम, मैंने कोई अपने बुआ बहन बताया था तेरे? महाराज मैंने सोची के जल्दी जल्दी में महाराज बताना भूल गए होंगे कि मेरी बुआ भी है। ठहरिए जी, मैंने पता लग गया इस बात का। किस बात का? तकलो थर तर आग बढ़ के बोलो। देख लिया तेरा पति वर्ता धर्म कैसे, और देख लिया तू पति वर्ता है। वो तो सुन, कब के रोज लेगी? परसों के रोज। और नालायक
अगर आज तक उसको यहाँ पर रोक लेती जी, उस बात का क्या नतीजा होता? क्या होता? सुनिए मेरी बात। समझ का जिंदगी आर कट्टी और था ढंग इज्जत बगड़न का दो चीजा थी बोला समझ का जिंदगी कट्टी को ना था ढंग इज्जत बगड़न का दो चीजा थाना थी बोला पेट चलेगा अगनो और घुणनत खाली पेट चलेगा। और कब के रोज लेगी? परसों के रोज। अगर आज तक उसको रोक लेती हा? तो क्या करता मैं? क्या होता? अरे मजा चखा दू बुआ पया का, मजा चखा दू बुआ पया का, तो लख कर ठगी को थाड़ मेरी इज्जत बिगड़न का तो की साथ लगी को सोच के जिंदगी का ठीक को थाड़ मेरी इज्जत बिगड़न का तो की साथ लगी को। अरे जब ते बच्ची बड़े थी पढ़ने की दसी रही ना पति के चरण की, दसी रही ना पति के चरण की। आगे तेरे पास एक बात का इलाज है। कौन सी बात का? परसों 12 बजे फांसी टूटूंगा। महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं ये सच कहता हूँ। ये झूठ बात है महाराज। आवाज सकते हो। दिल तो ऐसा करता है हाँ, लेकर तलवार तेरा सर उतार दूं। कैसे उतार दो? मैंने कोई नहीं किया। मगर क्षत्रिय का धर्म नहीं। क्या? तेरे को एक शराब देता हूँ ना। दे दो। अरे पपड़ जागी बिना उलटी अरे मेरे मरे की गमीला सती बोलो। क्या ये हार श्रृंगार सारा धार दिया मेरे मरने पर किया है ना? परमात्मा ने श्रृंगार की बजाय हाँ तेरे को दंड देना चाहिए। कैसे दंड? भी कैसा शाबाश मेरे मरे की अमीना पति की फल में जाना सदी की फंद में जान फंसा दी कोट लाग दे पट्टी को ना तमाटन मेरी इज्जत बिगड़न का तो की जात नक्की को ना तो रखे दिनी की कट्टी को ना तमाटन मेरी इज्जत बिगड़न का तो की जात नक्की को ना। अरे जब तक पक्षी बने थी भगत की जतल में टिर पैर अगत की हरे हाँ जो तेरे के से बुरे आदमी होते हैं हाँ संसार के अंदर हाँ उनका क्या कर्तव्य होता है? क्या होता है? जहाँ से बदबू आवे हाँ उसमें डीकड़ा देकर करेलना। अच्छा और भले आदमी का क्या कर्तव्य होता है? होता है कि जहाँ से बदबू आवे
उसको मिट्टी डालना, हाँ। उसको सच्चा इंसान और नेक इंसान बोला जाता है। अच्छा, और सुन, सुनाओ, एक भले आदमी ने बुराई से बचने के लिए जा क्या रास्ता देखे, क्या शबाश, आज मेरी फिर समझ में आई, आप कहना क्या चाह रहे हो? हरिये जी छोड़ इन बाता ने, हाँ। मेरे को अच्छी तरह पता है, अच्छा, जो संसार का गिरा हुआ आदमी होता है, हाँ। जो संसार का बेशर्म आदमी होता है जी, इतने कीचड़ उसके सर पर कदा जाले, हाँ। इतने उस सच्चाई को स्वीकार नहीं, ये तो बात सच है आपकी, बात सुनिए, हाँ। इधर आओ आगे, क्या एक बात या तो तू जानती है, हाँ। या मैं जानता हूँ जी, कौन सी बात, एक बात बताइए, हाँ। क्या तेरी बाईं जांघ में काले तिल का निशान है? महाराज, ओ बेशर्म, ओ नालायक जी, ये बता शेर खान ने कैसे पता लग गया? महाराज यहाँ पर कोई शेर खान है, आपकी बुआ ही थी। ठहरिए, यहाँ पर कौन आया था? यहाँ पर तुम्हारी बुआ आई थी। ये झूठ है, ये सच है। ओ नालायक, बोलो, आज दरबार में वो बात कही है, क्या तमाम हिंदू का सर नीचे हो गया, हाँ। और मुसलमान अपना सीना तान कर बैठे हुए थे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप नौ करोड़ शेर बांदियों से पूछ सकते हो। ये नौ करोड़ बांदी, हाँ। इनसे लालच देकर इन्होंने छह दिन आपके हुक्म का पालन किया है जी, मगर मेरे हुक्म का नहीं, हाँ। अगर इनसे ये बात कहोगे तो कह देंगे इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा नहीं है महाराज। चलो सुबह में तो क्या फिर कंगाल है? सुबह में तलका सुना था निशान चढ़ेगी चेहरे की लाली सच का ढोल मेरी बदनामी का बज गया, ढोल मेरी बदनामी का बज गया। और सुन, सुनाओ महाराज, एक मिसाल भरथरी के साथ भी बनी थी। कौन सी, कैसे? ढोल मेरी बदनामी का बज गया, ओ बेकरम बज गया, मलहम खान बकी से मरना हो कमल तेरे कार में, कमल तेरे कार में। एक दिन वो भी था, क्या महाराज, रावण ने शिकार करना पड़ा, हाँ। कैसे, कैसे शाबाश, मरना हो कमल तेरे कार में, मारने गए थे मेरे भगवान की।
बोलो बाली ने सुग्रीव के साथ क्या किया था? क्या किया महाराज? शाबाश राजा का पति होगी सौ में पति बेईमान शेर खा बड़े बेटा बाली मुझे सुगे रिवसे आज मेरे छुट गए ऐसे अलग आज मेरे छुट गए ऐसे अलग लखनी चंदे करे तेरा ध्यान दूरे के महाकाली महाराज आप कहना क्या चाहते हो? सुनिए जी मैंने क्या सोचा था? क्या मैंने ये सोचा था? क्या सोचा था महाराज? तेरे को चंदन का बड़ा तो नहीं कह सकूंगा। अच्छा मगर ये सोचा था जी तेरे घर पर जी एक चंदन के बड़े से एक दाढ़ी आई है जी और उसकी खुशबू में तेरा तमाम जीवन व्यतीत हो जाएगा जी मगर तू कुछ नहीं पा। महाराज ये बात सब झूठ है। यहाँ पर आपकी बुआ आई थी। ठहरिए जी। ये पगड़ी कभी मेरे सर पर रहा करती जी और इसको ठोकर मार के गाड़ा में बगा दी। महाराज आज भी आपके सर पर है ये पगड़ी। पगड़ी थी रजपूत की इतने तार बगा दी गाड़ में जी। तू बेईमान पेट की काली हाँ। मैंने इस मौके देखी वाली हाँ। डाली समझू था चंदन मजबूत की हाँ। रही जाम लिलबड़ी जाल में। पगड़ी थी रजपूत की इतने तार बगा दी गाड़ में। डरूं सो अपने सत बिगड़न का भय से हाँ। ना सर ने काट बगा दूं ऐसे काट दो जैसे शिवजी ने नेर तजी थी पूत की हाँ। गणेश का सुरका टूटा दिया था बाल में। पगड़ी थी रजपूत की तरह तार बगा दी गाल में। राही चली ना ठीक कुरी थी हाँ। मैं के गलत है सदा छुरी छुरी थी ओ बेशरम हाँ। मैं क्या था क्या आज तने क्या बना दिया क्या बना दिया। कदे मेरी धाक बुरी थी गजपूत की हाँ। आज लिया लाद ऊंट की डाल में और पगड़ी थी रजपूत की तरह तार बगा दी गाल में। लक्ष्मी चंद करो गुरु की टहल हाँ। डाण तने कोड मचा दिया फैल हाँ। अरे तेरे तक बेशरम तेरे से पहले भी थी। मेरे तो भी पहले बेशरम थी। मैं तो सो को नहीं पहला होगी कोई जैसे नोना दे गैल सजपूत की हाँ। करा नहीं इनकार दया नहीं चंडाल में हाँ। पगड़ी थी रजपूत की तरह तार बगा दी गाड़ में। मारा क्या कह रहे हो आप? ये पगड़ी तो आज भी आपके सर पर है मेरी तरफ से। तो मेरा दिल ऐसा चाहता है। कैसा? तेरे को थोड़ा इनाम दे दूं। दे दो इनाम। हाँ देगा मंडल माची सी देख कर लूंगा बढ़िया लगेगा। शाबाश शाबाश। अरे बुरी करे बुरे आदे और जिनके मारे बाला दौड़ा बाड़ा करे खड़ी रहे उड़ाया कर ठीक है महाराज। अलग बोला है ये दुआ की महल है जी। अगर एक मास साथ ही गटगी हाँ। तेरे खून से वसूल की जाएगी। कर लिया महाराज मैं। और ठहरिए हाँ। परसों 12 बजे फांसी टूटूंगा। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। और मैं जाता हूँ। जाओ प्रेमियों अब दरबार में पहुंच जाता है। सलामत है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब सिंह। सरदार साहब सिंह हाजिर हैं। हाजिर हैं हाँ तो ठीक है। हजूर हाँ बोलिए। वो तख्ता तैयार है।
देखिए शेर खान, इसका फांसी का टाइम कल है। गाना सुनाना सुनो बताओ। हाँ, 24 घंटे किसने बढ़ाए हैं? इनके मरने की खुशी में आम जलसा होगा, दरबार इकट्ठा होगा। और एक काम करिए, आप शहर में जाइए, जो अच्छी गाने बजाने वाली भाई है उनको लेके आइए। ठीक है प्रेमियों। हेलो, आज दुआ की महल पर काग उड़ाती है, महल के नीचे से नटनी और कंदरिया गाने बजाने वाली जाती हैं और उनका आवाज लगाती है, हे बहन जाने वाली हो, आ कौन है? शाबाश। हे बहन जाने वाली हो। बोलो बहन, कहाँ जाती हो? हम दरबार में जाती हैं। इसलिए हम गाना बजाना करती हैं। गाना बजाना? जी डट भाई, क्या आप मुझे भी अपने अपने साथ ले चल जा सकती हो? आपको गाना बजाना आता है? बेबे कुछ तो वकी में तुम सिखा दियो। ठीक है, चलो जो दरबार में इनाम मिलेगा मांगूंगी मैं और होगा तुम्हारा। ठीक है, और अपनी तरफ से भी बहुत इनाम दूंगी। चलो तो बहन, ये लिबास बदल लो, धोड़ा उतार दो। कोई बात नहीं, उतारो धोड़े बाड़ा के, मैं आग ला रही थी, मेरा तो जीव है। मारे की डाला चमक छलो बन जा। रास्ते में शेर खां पठान मिलते हैं और उनसे क्या पूछते हैं? शाबाश। हेलो जी, कौन है तुम? हम नाचना गाना करने वाली नटनी कंजरी। नटनी कंजरी जी, क्या काम करती हो? हम गाना बजाना करती हैं। अरे बैठकर खाती, इनाम पाती, जोबर लगाती हैं। जोबर लगाती हो? हाँ जी। तो काम करिए। बोलो। आओ मेरे साथ। कहाँ? शाहजहाँ के दरबार में। आप कौन हो? मेरे को नहीं जानती? नहीं जानती। मेरा नाम है शेर का पठान। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। आप तो बहुत बड़े 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 आदमी लगते हो। हाँ बड़े तो है, तभी तो आपके पास पास आ रहे। बड़े आदमी? अच्छा अच्छा अच्छा, कौन नाम देता तुम्हारे पास? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा एक काम, बात एक बात बताइए। बोलो, मेरे साथ चलो। चलो राजा बादशाह के दरबार में। अच्छा, क्या बात है? सर राजपूत है। अच्छा, और मेरी उसकी जान माल की बाजी लगी हुई थी। हाँ, वो अपने सर के अंदर हार गया जी, पर मैं जीत गया। उसको फांसी छोड़ा जाएगा, आपका जलसा होगा। अच्छा, गाना होगा, हम जलसा होगा उसी खुशी में। उसकी ठीक है, चलो। शनि देव मंदिर मैनेजमेंट कमेटी बेरी 200 रुपए और पार्टी का मान सम्मान करती है, धन्यवाद। हजूर ठहरिए भाई, सुनिए, जाने से पहले एक अवश्य सूचना देता हूँ। हरियाणा सरकार की तरफ से कल का और यहीं पर है। हाँ ठहरो, सांग पूरा होगा। हजूर बोलिए, गाना बजाना कैसा हुआ? भाई गाना बजाना बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, हाँ ना मांगो। हेलो, हाँ बेटा इनाम मांगिए आप। हमारा इनाम दो। आप कौन सी बड़ी है जो वो मांग लो? बड़ी मैं हूँ। अरे मांगिए आप इनाम। हे बादशाह सलामत, हाँ मुझे इनाम में शेर खान चाहिए। शेर खान? हाँ। अरे शेर खान कौन है? तेरे को मांग रही है। क्यों रे? माइक में बाबा, मेरा लबड़ दूंगा क्या करेगी? कोई रुपया पैसा मांग जिसे के तरह काम चले। ए शेर, ए बादशाह सलामत, बोलिए। मैं इसको इसलिए मांग रही हूँ, हाँ ये कल परसों के रोज मेरे कोठे पर गया। अच्छा, शराब पी है। और 25,000 रुपए उधार लेकर आया। अच्छा। और एक गहनों का डब्बा उठा कर चुरा कर ले आया ये। क्यों भाई शेर खान, क्या बतवाती है ये? हजूर तौबा करो, तौबा। तौबा मैं करूँ? चोरी तू कर लिया कर। हजूर, हाँ ये तो कहती है 5,000 रुपए और एक जेवर का डिब्बा उठा लाया। हाँ। और मैं ये कहता हूँ, क्या आपसे पहले? अच्छा, साउथ की मुझे कल तलक नहीं गए, झूठ बोलती है। क्या बोलता है बेटी? ये बादशाह सलामत, हाँ अब आप ये बताइए किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? किस मजहब से आप? आप तो मोहम्मदन हैं। हम तो मोहम्मदन हैं। हाँ, ये किस चीज को मानते हैं? ये मुसलमान है और कुरान पाक को मानते हैं। तो बादशाह सलामत एक काम करो, बोलो, इनके हाथों पर कुरान रखो। अच्छा, और 5 पैरे मक्के की तरफ भरवाओ। अच्छा, उनसे ये कहलवाओ कि आज से पहले से मेरी शान नहीं देखी। लो भाई आपकी जान पे बनाई है ये, तो ये कुरान पाक है। बड़े तुझे दे रखे हैं ये, लो लो लो, अगर इतने सच्चे हो। ये आजकल कुरान पाक भी इसी में है। ये कुरान हाथ में रखी है और मक्के की तरफ 5 कदम रखो। हजूर कितना वजन होता है? जितना तेरे ईमान में है। अच्छा, हाँ
हजूर हाँ मैं लीला की कसम खा के कहता हूँ। अच्छा अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ। अच्छा हजूर मैं आपकी कसम खा के मैं लबड़गा थोड़ा हूँ उनकी खा ले। हजूर मैं फजीलतन की अम्मा की कसम खा के कहता हूँ। अच्छा आज से पहले हाँ इस शर्त की मुझे शकल तलक नहीं देखी है झूठ बोलती है। एक काम कर ले एक बार देख ले मेरे भतीज एक बार देख ले। मैं भाई चाप सिंह की छतराणी हूँ सोमती मेरा नाम है। मेरा धर्म कैसे खंडित कर दिया आपने। बात सुन बेशर्म थरे कहे की बिलाग नहीं क्या की कहे की भी कौन सी शाबाश तो हम चूठी का समा उठालो और चाचा की बेटी ने डालो एक बार बताओ। मैंने तो आपके साथ जरा सा ड्रामा किया था यार। अच्छा मजाक किया था। मजाक किया था। इधर आओ भाई साहब आप तो एक बार बताओ पूरा मान के एक बात बताओ क्या हिंदुओं के घर पति व्रता होती है या नहीं भाई। और तो किसी को होती हो या ना होती हो मगर आपका तो होती ही होती है। बात सुन मैं तेरे को फांसी तोड़ूंगा मगर एक चीज है। क्या संसार में एक ऐसी चीज है क्या एक भाई की जान की भिक्षा बहन मांग सकती है। इसे बहन कहकर माफी मांगो। महाराज एक काम करो इसे ना फांसी की तो कर दो इसकी टांग। बबो मुझे माफ कर। अरे कर दे महाराज एक काम कर दो इसकी फांसी की तो कर दो टाल इसके टीकड़े थोड़ दो। जान दे के बड़ा क्या निकल जाएगी कई डाल की सुबह है। प्रेमियो कल खेल फिर होगा बाल गंगे मैया की। Oh, 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 oh,